नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर है, जहां करनाल पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयाभान ने कुलदीप बिश्नोई को सुनाई खरी खरी। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। हरियाणा के करनाल के नीलोखेड़ी पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयाभान सिंह ने कुलदीप बिश्नोई पर निशाना साधा है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जेल भेजने के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा है कि बिश्नोई पहले अपने आप को तो बचा लें, सीबीआई और ईडी के डर से पहले ही वह भाजपा के आगे सरेंडर कर चुके हैं। कुलदीप बिश्नोई शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपने जैसा कमजोर समझ बैठे हैं। वे मंगलवार को नीलोखेड़ी में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां पहुंचने पर उन्होंने बाबा साहब के चित्र पर नमन किया और बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डाला। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस की 21 दिसंबर को हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करेगी। कल कांग्रेस पार्टी के नेताओं की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चंडीगढ़ में मीटिंग है और यात्रा के स्वागत के लिए सभी की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं उन्होंने इस दौरान गुजरात चुनाव के एग्जिट पोल पर सवाल करते हुए उदयाभान ने कहा कि एग्जिट पोल पर नहीं, नतीजों पर इंतजार करो। कांग्रेस के प्रभारी बदलने के सवाल के जवाब देते हुए उदयाभान ने कहा कि बहुत दिनों से कांग्रेस प्रभारी की सीट खाली पड़ी थी, अब शक्ति सिंह को प्रभारी नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति के बाद अब पार्टी के संगठन को और मजबूती मिलेगी। बने रहिएगा चैनल के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।